हेलो एवरीवन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से सिलेक्शन रूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएसआईआर नेट के एग्जाम में कई बार सिलेक्शन रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही इजी सा टॉपिक है जिससे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नंबर गेन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं आखिर में सिलेक्शन रूल्स होते क्या है। मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा बोहर से। 11th की क्लास में हम लोग बोहर का थ्योरी पढ़ते हैं, बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। तो बोहर के जो पॉस्टुलेट्स हैं उसमें उसने ये कहा है कि कोई भी यदि लोअर एनर्जी लेवल और कोई हायर एनर्जी लेवल, दो बातें यहां पर हो गई, एक लोअर एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल। बोहर ने यह कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में स्पिन कर रहा है तो वो हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है यदि हम उसको सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड करें। यदि हम उसको ये जो डेल्टा न्यू है, इस जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम डेल्टा न्यू कहते हैं, यदि इस डेल्टा न्यू के इक्वल की एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को यदि प्रोवाइड करेंगे तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जा सकता है। ये बात समझिए सबसे पहले कि ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो कैसे होगा, जब हम उसको एनर्जी एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ट्रांजिशन हो सकता है। यदि हम उसको इरेडिएट कर रहे हैं, किसी टाइप से लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा या नहीं जाएगा, अब हमारे पास ये बात डिसाइड करने के लिए है सिलेक्शन रूल्स। बात समझ में आ रही है, सिलेक्शन रूल्स का यूज हम कहां पर कर रहे हैं, हमने सर्टेन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी और वो हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करके जाएगा या नहीं जाएगा, ये हम डिसाइड करेंगे सिलेक्शन रूल से। यदि वो जाएगा तो हम कहेंगे अलाउड ट्रांजिशन, और यदि नहीं जाएगा तो हम कहेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो कौन कौन से ऐसे हमारे पास रूल्स हैं जिससे हम ये पहचानेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन है, ये डिसाइड करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी को सीख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सारे सिलेक्शन रूल्स। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आखिरी तक सारे सिलेक्शन रूल्स को जरूर पढ़िए, अदरवाइज यदि आपने कोई सा भी एक सिलेक्शन रूल अप्लाई करना छोड़ दिया तो आप गलत आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एनर्जी लेवल से ही शुरू करूंगा। मान लीजिए ये कोई एटम है और इस एटम के ये एनर्जी लेवल्स हैं, एटम है ये न्यूक्लियस, उसके ये एनर्जी लेवल्स हैं। मैं एनर्जी लेवल मींस डेल्टा एन की बात कर रहा हूं। डेल्टा एन मींस किसी एक लोअर एनर्जी लेवल से एनी हायर एनर्जी लेवल पर, किसी एक लोअर एनर्जी लेवल से किसी एक हायर एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल मैं इसको एनर्जी लेवल 1 कहो, इसको 2 कहो, इसको 3 कहो, तो इसको 4 कहो, इसको 5 कहूं, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में, या फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड में, या फर्स्ट एनर्जी लेवल से फोर्थ में, या फर्स्ट एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं यहां पर यह कहता हूं कि डेल्टा एन कैन बी एनी थिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिट फ्रॉम एनी लोअर एनर्जी लेवल टू एनी हायर एनर्जी लेवल, और एनी हायर एनर्जी लेवल टू एनी लोअर एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं कि ये प्लस माइनस वन भी हो सकता है, मीन्स फर्स्ट से सेकेंड में, सेकेंड से फर्स्ट में भी आ सकता है। ये प्लस माइनस टू भी हो सकता है, मीन्स फर्स्ट से थर्ड में, थर्ड से फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकेंड से फोर्थ में, या फोर्थ से सेकेंड में भी हो सकता है। अलाउड ट्रांजिशन होगा, किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है। सिमिलरली प्लस माइनस थ्री भी हो सकता है, एंड सो ऑन, किसी भी एनर्जी लेवल में। यदि हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है यदि उसे सर्टेन एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा नंबर वन, एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करना। किसी भी एनर्जी लेवल में यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके जा रहा है तो हम उसको अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे। ये सारे के सारे क्या है, अलाउड ट्रांजिशन, किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है इलेक्ट्रॉन।
सारे सिलेक्शन रूल्स पढ़ने के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देखेंगे कि आखिर में ये सिलेक्शन रूल्स को अप्लाई करके हम एग्जाम्पल सॉल्व कर पा रहे हैं और नॉट। चलिए सेकंड सिलेक्शन रूल पर आते हैं, दैट इज लैपार्टे सिलेक्शन रूल। लैपार्टे सिलेक्शन रूल, लैपार्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है? देखिए हमारे पास एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, यहां पर एस होता है, यहां पर एस पी, यहां पर एस पी डी, यहां पर एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स हमारे पास है। किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल है ये हमको बताता है लैपार्टे सिलेक्शन रूल। एनर्जी लेवल का सिलेक्शन रूल तो हमने देख लिया कि किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बट वो किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है कि नहीं जा सकता है ये डिसाइड करेंगे हम लैपार्टे सिलेक्शन रूल से। देखिए एस से पी, पी से डी, डी से एफ, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम डिसाइड करने वाले हैं। तो जब लैपार्टे सिलेक्शन रूल की बात होती है तो लैपार्टे सिलेक्शन रूल का कहना यह है डेल एल शुड बी प्लस माइनस वन ओनली। ये ओनली मैं यहां पर लिख रहा हूं कि लैपार्टे सिलेक्शन रूल का क्या कहना है कि डेल एल शुड बी प्लस माइनस वन ओनली, मीन्स एस से पी में यदि ट्रांजिशन हो रहा है या पी से एस में यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो ये एक अलाउड ट्रांजिशन होगा। बात समझे मेरी? एस से पी में या पी से एस में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये अलाउड ट्रांजिशन होगा। पी से डी में या डी से पी में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये अलाउड ट्रांजिशन होगा। डी से एफ में, एफ से डी में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये एक अलाउड ट्रांजिशन होगा। अब फॉर्बिडन हम किसको कहेंगे? फॉर्बिडन देखिए एस से डायरेक्ट यदि डी में ट्रांजिशन हो रहा है, एस से डी में ट्रांजिशन की बात हो रही है तो ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है। सिमिलरली पी से एफ में यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है क्योंकि ये प्लस माइनस टू पर चला गया। कहां पर चला गया? प्लस माइनस टू पर, जबकि हमारा कंडीशन क्या है, लैपार्टे क्या कहता है कि सिर्फ प्लस माइनस वन में ही सिलेक्शन होगा, जीरो में भी नहीं। मीन्स एस से एस में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, एस से एस में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि एस से डायरेक्ट एफ में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, एस से डायरेक्ट एफ में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। लैपार्टे सिलेक्शन रूल का कहना है एस से पी में जा सकता है, या तो पी में, पी से डी में जा सकता है, या तो डी से एफ में जा सकता है। सिमिलरली वापस भी एफ से डी में ही आ सकता है, डी से पी में ही आ सकता है, पी से एस में ही आ सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि डेल एल शुड बी एल प्लस माइनस वन ओनली, डेल एल शुड बी प्लस माइनस वन ओनली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये लैपार्टे सिलेक्शन रूल के अंदर ही देखिए ये जो एस ऑर्बिटल होता है ये जीरेड टाइप का ऑर्बिटल होता है, जबकि पी अनजीरेड होता है, डी भी जीरेड होता है और एफ अनजीरेड ऑर्बिटल होता है। यहां पर जीरेड अनजीरेड से भी मैं लैपार्टे सिलेक्शन रूल को कोरिलेट कर रहा हूं। क्या कहना मैं चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जीरेड से अनजीरेड में ट्रांजिशन हो सकता है, जीरेड से अनजीरेड, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है लेकिन एक बात यहां पर हम सीख रहे हैं सिर्फ, जीरेड से अनजीरेड में भी ट्रांजिशन हो सकता है, जीरेड से अनजीरेड में ट्रांजिशन हो सकता है, अनजीरेड से जीरेड में ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन जीरेड जीरेड या अनजीरेड अनजीरेड में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ये यहां से हम सीख रहे हैं। लैपार्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहां से जीरेड में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, जीरेड से अनजीरेड में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है यहां पर, लेकिन हम यदि, हमको यदि कंडीशन दे वो सिर्फ कि जीरेड से अनजीरेड में ट्रांजिशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो जीरेड से अनजीरेड में तो ट्रांजिशन पॉसिबल है लेकिन जीरेड से जीरेड में ट्रांजिशन या अनजीरेड से अनजीरेड में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे दो सिलेक्शन रूल हो गए, एक हो गया एनर्जी सिलेक्शन रूल और दूसरा हो गया लैपार्टे सिलेक्शन रूल। एनर्जी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल एल कुछ, डेल एन कुछ भी हो सकता है, किसी भी एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन लैपार्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ प्लस माइनस वन में ही ट्रांजिशन हो सकता है। ये दो बातें हो गई। देखिए लैपार्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि प्लस माइनस वन में ही सिर्फ ट्रांजिशन होंगे, मीन्स एस से पी में, पी से डी में ही अलाउड ट्रांजिशन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि लैपार्टे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग तो डीडी ट्रांजिशन क्या होगा, डीडी ट्रांजिशन क्या होगा, फॉरबिडन। डीडी ट्रांजिशन क्या होगा, फॉरबिडन। क्लियर?
क्योंकि ये क्या है, डेल एल इज इक्वल टू जीरो। डी से डी में ही ट्रांजिशन यदि हो रहा है तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग तो वो क्या होगे, फॉरबिडन होंगे, क्योंकि डेल एल यहां पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सिमिलरली एफ एफ ट्रांजिशन भी क्या होंगे, एफ एफ ट्रांजिशन ये भी क्या होंगे, फॉरबिडन ही होंगे। बात समझे मेरी, डीडी ट्रांजिशन और एफ एफ ट्रांजिशन आर लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो जब डीडी ट्रांजिशन और एफ एफ ट्रांजिशन फॉरबिडन है, लेपोर्टे फॉरबिडन है, तो फिर इनके जो इंटेंसिटी आती है, इनके स्पेक्ट्रा की जो इंटेंसिटी आती है, इंटेंसिटी ये क्या आती है, लो आती है, इंटेंसिटी लो आती है। लोअर एब्जॉर्बेंस मिलता है हमको, एप्साइलन, लोअर एब्जॉर्बेंस, लोअर एब्जॉर्बेंस मिलता है हमको, लोअर एब्जॉर्बेंस, लोअर इंटेंसिटी के हमको स्पेक्ट्रा इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इनके यदि इंटेंसिटी को इंक्रीज करना हो, यहां पर मैं तो छोटा सा एक टॉपिक जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है वो इंक्लूड कर रहा हूं यहां पर मैं। यदि हम इनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, डीडी ट्रांजिशन की और एफएफ ट्रांजिशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करें। डीडी ट्रांजिशन हम देखें, ये है कोई लोअर डी एनर्जी लेवल, ये कोई हायर डी एनर्जी लेवल। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल यदि है ये, तो ये टी टू जी है, ये ईजी है। टी टू जी से ईजी में ट्रांजिशन यदि होना है और अलाउड यदि हमको करना है, या कह सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, ट्रांजिशन तो होता है, और ट्रांजिशन होता है तो हमको ये लोअर इंटेंसिटी का इसका स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। यदि हम इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं पीडी मिक्सिंग। क्या कर सकते हैं, पीडी मिक्सिंग। और पीडी मिक्सिंग में जो हमको एनर्जी लेवल्स मिलने वाले हैं ये पीडी हो जाएगा, जबकि ये क्या रहेगा, डी। ये क्या है, डी और डी, डी डी ट्रांजिशन हम इसको कह रहे हैं। हम यहां पर जो एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं, जैसे एसपी मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ऐसे पीडी मिक्सिंग यदि हो जाए तो डी से पीडी टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा। क्यों पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डेल एल जीरो नहीं बचा। क्या नहीं बचा, जीरो नहीं बचा। डीडी ट्रांजिशन में डेल एल कंप्लीटली क्या था, जीरो था, जबकि यहां पर डेल एल जीरो नहीं है। बात समझ रहे हैं, जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो पार्शियली अलाउड हो जाता है। तो पीडी मिक्सिंग के बाद जो हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिलेगा उसकी इंटेंसिटी डीडी ट्रांजिशन के बजाय ज्यादा आएगी, पीडी मिक्सिंग के कारण इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं थर्ड सिलेक्शन रूल पर, दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। और स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन कब अलाउड होंगे, कब नॉट अलाउड होंगे, मतलब फॉरबिडन होंगे, वो हम सीख लेते हैं। देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग डेल एस शुड बी इक्वल टू जीरो ऑलवेज, ओनली, सिर्फ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मीन्स किसी भी टाइप में, टाइप से स्पिन में चेंज नहीं आना चाहिए तो ही ये एक अलाउड ट्रांजिशन होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑक्टाहेड्रल हमने सिस्टम ले लिया, इस ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में ये हमको इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन्स के, इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की बात करता हूं कि ये इस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो यहां पर पहुंच करके इसकी स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए तो ये क्या होगा, एक अलाउड ट्रांजिशन होगा। यदि इसकी स्पिन हायर एनर्जी लेवल में जाकर के चेंज हो रही है तो क्या होगा, ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। मींस डेल एस शुड बी जीरो, स्पिन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यदि हम टर्म सिंबल्स की बात करते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वहां पर हमको मिलती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात आती है 2s+1, ये हम प्रीवियस वीडियो में ही सीख कर क्या है कि कैसे हम टर्म सिंबल्स लिखते हैं और उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में क्या है, एस है, मीन्स स्पिन है। स्पिन चेंज नहीं होगी यदि, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज नहीं होगी। मीन्स यदि हम अलाउड ट्रांजिशन देख रहे हैं तो टर्म्स में यदि देख रहे हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड नॉट चेंज। देखिए, एटॉमिक टर्म सिंबल से यदि हम देखें तो एटॉमिक टर्म सिंबल्स में हमको ऐसी कंडीशन मिल सकती है। एग्जाम्पल में यहां पर ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 3s से 3p में ट्रांजिशन यदि हमसे वो पूछ रहा है तो हम ये कहेंगे कि दिस इज एन अलाउड ट्रांजिशन।
क्योंकि लेपार्टे सिलेक्शन रूल को भी फॉलो कर रहा है, एस से पी में ट्रांजिशन बता रहा है, हो सकता है स्पिन सिलेक्शन रूल को वो पूछ रहा है, थ्री से थ्री में ट्रांजिशन हो रहा है, मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है, डेल एस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये एक अलाउड ट्रांजिशन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन होंगे वो सिर्फ सिंगलेट से सिंगलेट में ही होंगे, क्या कह सकते हैं हम, सिंगलेट से सिंगलेट में ही होंगे और डबलेट से डबलेट में ही होंगे, डबलेट से डबलेट में ही हो सकते हैं और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में हो सकते हैं, ट्रिपलेट से ट्रांजिशन हो सकता है ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट और सिंगलेट से डबलेट में ट्रांजिशन नहीं हो सकता, नहीं सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन हो सकता है, डबलेट से ट्रिपलेट में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, बात समझ गए। ये है हमारा थर्ड सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट फोर्थ सिलेक्शन रूल है, फोर्थ सिलेक्शन रूल टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग पिछले वीडियो में ही सीख करके आए हैं, टर्म सिंबल्स के लिए जो हमने बात की थी, टर्म सिंबल्स में हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम मीन्स एल एस कपलिंग जो हमने निकाली थी, एल एस कपलिंग जो निकाली थी, एल एस कपलिंग के अकॉर्डिंग जो जे आ रहा था, क्या आ रहा था, जे आ रहा था, उसको हम कह रहे थे टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो डेल जे टोटल एंगुलर मोमेंटम में चेंज शुड बी जीरो और प्लस माइनस वन ओनली, डेल जे में चेंज क्या होना चाहिए, सिर्फ जीरो और प्लस माइनस वन, ये सब ये बात समझने के लिए आप टर्म सिंबल वाला वीडियो जरूर देख लेते, आपने टर्म सिंबल्स नहीं देखा है तो टर्म सिंबल्स देखने के बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि डेल जे शुड बी क्या, जीरो और प्लस माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल हमको कोई टर्म दिया हुआ है और उस टर्म में स्पिन मल्टीप्लिसिटी थ्री है और टर्म डी है और उसका जो जे वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5/2 आ रहा है, यह क्या आ रहा है 5/2 आ रहा है और उसने ट्रांजिशन हमको पूछा है कि 3f 7/2 में ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है कि नहीं है, अलाउड है कि नहीं है या फॉरबिडन है, ये हमसे वो पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर सारे सिलेक्शन रूल्स अप्लाई करेंगे। देखिए स्पिन सिलेक्शन रूल तो इसको अलाउड कह रहा है, देखिए ये लेपार्टे सिलेक्शन रूल भी इसको क्या कह रहा है, अलाउड कह रहा है, लेकिन डेल जे क्या कह रहा है या टोटल एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या कह रहा है, ये क्या आया प्लस माइनस वन आया, 5/2 और 7/2 क्या है प्लस माइनस वन वाली कंडीशन है। तो जब डेल जे प्लस माइनस वन होता है तो वो क्या होता है, अलाउड ट्रांजिशन होता है, तो ये ट्रांजिशन भी क्या आएगा, एक अलाउड ट्रांजिशन, बात समझ गए। तो डेल जे यदि जीरो आ रहा है, मान लीजिए यहां 5/2 की जगह 5/2 ही आता तो भी एक अलाउड ट्रांजिशन होता, लेकिन प्लस माइनस वन और जीरो को छोड़कर के यदि और कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या होगा, एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम हमारी लिस्टिंग कर लेते हैं कि देखो डेल एस हमने सीख लिया, स्पिन सिलेक्शन रूल दैट शुड बी जीरो और एंगुलर चेंज हमने सीख लिया, डेल जे इक्वल टू जीरो और प्लस माइनस वन, ये हमारे फोर्थ सिलेक्शन रूल्स हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सिलेक्शन रूल और वो है एम जे के लिए, किसके लिए है, एम जे के लिए। देखिए एम जे क्या है या डेल एम जे, मैं लिखूंगा यहां पर इसको डेल एम जे क्या है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम पर तो उसके एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, जब एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो जो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल आते हैं उनको हम एम जे लेवल से असाइन करते हैं, तो एम जे शुड बी जीरो और प्लस माइनस वन, जैसे एंगुलर मोमेंटम का था वैसे ही इसका भी क्या है, जीरो और प्लस माइनस वन, जैसे जे की वैल्यूज आती है ऐसे एम जे की भी वैल्यूज हमको मिलेगी और वो भी जीरो या प्लस माइनस वन होगा, तो उसके लिए अलाउड कहेंगे, अदरवाइज उसको क्या कहेंगे हम, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये हो गया हमारा फिफ्थ सिलेक्शन रूल और लास्ट एंड सिक्स्थ सिलेक्शन रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिमेट्री सिलेक्शन रूल, सिमेट्री सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल। सिमेट्री सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, देखिए हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं, एंटी बॉन्डिंग, और हमारे पास होते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमारे पास सिग्मा हो सकते हैं, पाई हो सकते हैं,
एंटी बॉन्डिंग हमारे पास सिग्मा स्टार हो सकते हैं, पाई स्टार हो सकते हैं, और नॉन बॉन्डिंग हमारे पास एन से हम जिसको डिनोट करते हैं एन ऑर्बिटल्स होते हो सकते हैं जो नॉन बॉन्डिंग है। तो सिग्मा से पाई या सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार कौन से ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो सकता है वो भी हमको यहां पर देखना होता है। देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन पॉसिबल है और पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन पॉसिबल है, मींस यदि ये दो कंडीशंस है तो वो ट्रांजिशंस कैसे होंगे, अलाउड ट्रांजिशन होंगे। बाकी यदि कोई भी कंडीशन बन रही है तो वो फॉरबिडन होगी, मींस सिग्मा से पाई में भी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, सिग्मा से पाई स्टार में भी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, पाई से सिग्मा में भी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, और पाई से सिग्मा स्टार में भी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, और न ही सिग्मा से एन में नॉन बॉन्डिंग में ट्रांजिशन अलाउड है, और न ही पाई से नॉन बॉन्डिंग में ट्रांजिशन अलाउड है। तो हमारे पास कंडीशन क्लियर हो चुकी है, सारी कंडीशन क्लियर हो चुकी है। देखिए यहां पर हमने लिस्टिंग भी कर रखी है, ये डेल्टा एमजे भी मैं कह देता हूं कि डेल्टा एमजे भी क्या होना चाहिए, जीरो प्लस माइनस वन होना चाहिए, और जो सिक्स्थ सिलेक्शन रूल है वो सिमेट्री सिलेक्शन रूल है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार में ही सिर्फ ट्रांजिशन अलाउड होंगे, बाकी सभी ट्रांजिशन फॉरबिडन। अब हमने जो सारी कंडीशंस पढ़ी है, सारे सिलेक्शन रूल पढ़ लिए हैं, मैंने टू क्वेश्चंस यहां पर राइट कर लिए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यदि ये कंडीशंस अप्लाई होती है और हमको अलाउड ट्रांजिशन मिलता है तो हम पहचान जाएंगे। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, यहां पर हमको ट्रांजिशन वो 2p1 by 2 से 2s1 by 2 में हमको ट्रांजिशन का पूछ रहा है, ये अलाउड है या फॉरबिडन है हमको ये बताना है। तो देखिए स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग तो हमको ये मिल रहा है कि डेल एस शुड बी जीरो, ये यहाँ पर स्पिन चेंज मींस डेल एस हमको जीरो आ रहा है, इसके मतलब ये है कि स्पिन सिलेक्शन रूल तो इसको क्या बता रहा है, अलाउड बता रहा है। दूसरा लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग पी से एस में ट्रांजिशन क्या होता है, अलाउड होता है, प्लस माइनस वन अलाउड होता है, तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल में भी ये पास है। अगला थर्ड है डेल जे वाला है, एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम प्लस ये वन बाई टू से 1/2 में ट्रांजिशन हो रहा है, मींस ये डेल जे इज इक्वल टू क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है, तो जीरो अलाउड है क्या, यस जीरो से ये अलाउड है, मींस ये टोटल कंडीशंस पर जब अप्लाई हुआ तो एक अलाउड ट्रांजिशन मिला, ये एक अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे को देखते हैं, देखिए स्पिन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मींस ये एक अलाउड ट्रांजिशन है। ये लैपोर्टे सिलेक्शन रूल P से D में ट्रांजिशन होता है, बिल्कुल अलाउड ट्रांजिशन है। ये डेल जे वाला देख लो 1/2 से 5/2, 1/2 से 5/2 जा रहा है, 1/2 से 3/2 वन का डिफरेंस है, 3/2 से 5/2 वन का डिफरेंस है, वन का डिफरेंस है, इसके मतलब ये है कि 1/2 से 5/2 में कितने का डिफरेंस हुआ, टोटल 2 का डिफरेंस हुआ, जो कि अलाउड नहीं है, प्लस माइनस 2 अलाउड ट्रांजिशन नहीं है डेल जे में। तो यहां पर डेल जे इज नॉट इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1, इसका मतलब यह है कि यह एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। दो कंडीशंस को तो ये अप्लाई कर रहा है लेकिन थर्ड कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रही है। ये मैं आपको बताना चाहता था कि सारे कंडीशंस अप्लाई करने के बाद ही हमको पता चलता है कि कोई अलाउड ट्रांजिशन है या कोई फॉरबिडन ट्रांजिशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन।